आजाद मेमोरियल कॉलेज जम्मू यानी कि एमएम कॉलेज जो कि काफी चर्चों में रहता है और हर बार जो है यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, दो गुटों के बीच में तनाव देखने को मिलता है। एमएम कॉलेज जो कि काफी चर्चों में रहता है, हाल ही में यानी कि कल जो है यहाँ पर तनाव देखने को मिला, दो गुटों के बीच में जो है मनमुटाव देखने को मिला, इसको लेकर नारेबाजी भी की गई। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि प्रिंसिपल से बातचीत करने की भी कोशिश की लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बातचीत नहीं हो पाई। एमएम कॉलेज जो कि काफी चर्चों में रहता है और कल जिस तरीके से ये हंगामा पेश आया जहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और सिचुएशन को कंट्रोल भी किया जाता है। आपको बता दें कि कल क्लासेस को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया और अगर आज की बात करें तो आज कॉलेज को बंद रखा गया है, यानी कि हालात ज्यादा ना बिगड़े क्योंकि कल जिस तरीके से नारेबाजी देखने को मिली और मेमोरियल कॉलेज में यानी कि मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज में दो गुटों के बीच में मनमुटाव तनाव देखने को मिला, नारेबाजी देखने को मिली और हालात ज्यादा खराब ना हो, जिसके चलते आज कॉलेज को पूरी तरीके से बंद रखा गया, क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि इसको लेकर हमने प्रिंसिपल से भी बातचीत की क्योंकि हर बार जो है एमएम कॉलेज जो है वो चर्चों में रहता है, प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, तनाव देखने को मिलता है, गुटों के बीच में मनमुटाव जो है वो देखने को मिलता है। प्रिंसिपल से भी बातचीत करने की कोशिश की लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से प्रिंसिपल से बात नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो हर समय जो है ये चर्चा में रहता है और अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करें तो वहां पर जो है ऐसे प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते, ऐसे तनाव जो है वहां पर देखने को नहीं मिलते, तो आखिरकार मेमोरियल कॉलेज में ही क्यों, मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज में ही क्यों ऐसे तनाव जो है वो देखने को मिलते हैं, कई सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि हर बार एमएम कॉलेज जो है वो चर्चों में रहता है और जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी भी की गई और आज पूरी तरीके से क्लासेस को सस्पेंड कर दिया गया है और कॉलेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अगर आपकी क्या कुछ राय है, आप इसको किस नजरिए से लेते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।